नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर 9165823800 और यही मेरा मोबाइल नंबर भी है। कुछ बातें जो आप पूछते हो मैं बता देना चाहता हूँ। समय परिवर्तन के साथ साथ चीज़ें कैसे बदल जाती हैं और उसका कैसे आयुर्वेदाचार को या रस रसायनाचार को नुकसान हो उठाना पड़ता है और आशातीत परिणाम प्राप्त नहीं होने से रसायन विज्ञान भी बदनाम होता है और आयुर्वेद भी बदनाम होता है। ऐसा भारतवर्ष में पहले भी हो चुका है और अब जैसे जैसे कोरोना में असफलता प्राप्त हुई एलोपैथ को, तो आयुर्वेद को बढ़ावा मिला। बहुत सारे इसके पीछे आयुर्वेदाचार्यों का भी विचारों का महत्व है। उसके कारण आयुर्वेद के में बहुत सारे जो रसायन चीज़ें हैं वो मिलना भी अब दुर्लभ होती चली जा रही है। ये देखिए, ये सुमात्रा की हिंगुल है, अभी आई है। ये लगभग 10 किलो है, मैंने बुलाई थी 20 किलो, कुछ चूरा हो गई। उसमें से 6 किलो हिंगुल को मैंने जब घोटा नींबू के रस में और त्रफला में और भेड़ के दूध में घोटने के बाद, जब उसको मैंने डमरू यंत्र से उड़ाया तो देखिए कितनी इसमें अशुद्धियाँ मिली। ये देख रहे हैं आप, इसमें गंधक है, लाल गंधक भी है, थोड़ी बहुत पीली भी है, जिंक है, ये पीला जिंक है, ये काला लेड है, और भी होगा इसमें, कैडमियम भी होगा पीला। इतनी सारी अशुद्धियाँ इसमें मिली, मतलब 6 किलो में लगभग 5 किलो तो यही निकल गया अशुद्धि। अब इसमें 150 ग्राम पारा और हो सकता है भाई। देखिए आप देखोगे आंखों से, मैं देखो मित्रों टेबल कुर्सी पे बैठ के नहीं बताता कि ये फलानी गुटिका है और फलाने संत ने कहा था और ऐसा बन गई और वैसे बन गई। बैठ के कुर्सी पे कुछ भी झूठ झपट बोल दूँ, इस शास्त्र में ये लिखा, उस शास्त्र में वो लिखा, तो सब कुछ है पर प्रैक्टिकल करना, उसमें लगती है मेहनत। और सत्य बात वही बताएगा जो मेहनत करेगा। ये कई रसायन जो कीमियागिर हैं वो भी हमारे वृद्ध हैं, कई हमारे मित्र भी हैं, वो भी बेचारे वीडियो में आपको बार बार बोलते हैं कि रसायन या आयुर्वेद में समझ चाहिए, गिद्ध दृष्टि चाहिए, हर परिवर्तन पे आपकी बारीक निगाह चाहिए और मेहनत चाहिए। बिना मेहनत के ये आयुर्वेद भी नहीं होता, ना रसायन विज्ञान होता है, ना कीमिया होती। तो ये देखिए कितना इसमें आजकल मिलावट है, ये सब निकाल दिया मैंने। ये जाके मुझे बड़ी मुश्किल से ये 6 किलो में से ये 0.25 किलो पारा मिला। ये देखिए अभी इसमें थोड़ा बहुत 10-50 ग्राम और छानूंगा तो इसमें गंदगी निकलेगी। ये देखिए, इसको हम फिर गुटखा बनाने में उपयोग करते हैं। ये रखा हुआ है ना जार में, रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये रखी हुई है गंधक, लाल आपका हिंगुल जो मैंने विशेष विधि से पकाई है, मैं अभी दिखाऊंगा, अंदर पक रही है। और अब आप देखना इसके ऊपर अगर आप देख पाओ तो बड़ा अच्छा रहेगा, भगवान की मेहरबानी। ये इसमें स्वर्णिम आवा दिख रही ना आपको, ये ऐसी पकना चाहिए। जो एकदम काली दिखती है ना वो शंट हो गई, मर गई, मृत हो गई, वो कोई काम की नहीं। ये देखिए ये खादक है, इसमें जो पारा है वो जो आपको दिख रहा है स्वर्णाभा में, वो बदल जाता है जब विशेष विधि से इसको पकाया जाता है। और जो लाल गंधक है वो भी ठंडी हो जाती, पारा भी ठंडा हो जाता है। ठंडा होके ये इसका मुख्य सिद्धांत है। ये देखिए, अगर आप धूप में, मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप देख पाओ चीज़ों को तो समझो। जब पक जाती है ना हिंगुल, सही शुद्ध हिंगुल, ये मेरे घर की हिंगुल है, पुराने पर दादा बाबा की रखी हुई, तो मैं इसको खादक में उपयोग करता हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया चमक है, तो सोने में परिवर्तित हो जाता है आपका पारा, ऐसा चमकता है। और लाल गंधक
में बदल जाती है, ठंडी हो जाती है। ये दोनों मिलकर दिव्य चीज़ बनती है। तो ये जो चीज़ बनती है मित्रों, इसको खादा के, इसको बारीक पीस के जब हम खाते हैं तो ये रखी हुई है, ये देख लीजिए, ये कटोरी में रखी है। धूप में इसलिए रख देता हूँ कि फोटो भी इसकी, ये देखिए, ये इसमें आभा मंडल दिखेगी आपको, बढ़िया। ध्यान से देखोगे तो सब दिखेगी। ये इसको पीस के रखी है, अब इसको सूखना है, थोड़ा पीसना है। ये रक्त शोधक है, काम शक्ति वर्धक है, परंतु काम शक्ति वर्धक में देने के पहले पेट की औषधियों को दूर करना आवश्यक है। पेट का चूर्ण हम जो बनाते हैं, और शक्ति वर्धक चूर्ण देना आवश्यक, ताकि आप में शक्ति आए तब तो कोई काम बनेगा। ये हार्ट ब्लॉकेज को भी खोलती है, खून को पतला करती है, इसमें स्वर्ण भी है। तो आपके शरीर में कोई घाव हो गया हो, किडनी में, लीवर में, लंग्स में कहीं कोई तकलीफ है, ये थोड़ी सी उष्ण प्रकृति की भी होती है, तो सर्दी जुखाम नज़ला, जैसे आप कह रहे हैं अब तीसरी लहर आएगी, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। इसको केवल एक गेहूं के दाने के बराबर हमको खाना है, शहद के साथ सुबह खाली पेट। कैसी भी ठंड हो, कैसी भी नज़ला जुखाम सर्दी हो, उसमें ये बहुत अधिक उपयोगी और लाभकारी होती है, बशर्ते आपने सही ढंग से इसको पकाया हो। नहीं तो फिर, अगर पकाया नहीं तो फिर ये कोई काम करती नहीं है। फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ धूप में, ये देखिए ऐसी चमक इसमें दिखना चाहिए। थोड़ा सा कैमरा को मैं वो कर देता हूँ ताकि पास से दिख जाए। मैं दिखा इसलिए देता हूँ मित्रों कि चीज़ें आपके समझ में आना चाहिए। ये इसमें जो पीला पीला आप स्वर्ण से देख रहे हो, ये सब पारा है। जीवित अवस्था में पारा रहना चाहिए, नहीं तो संट हो गया तो फिर वो काम ही नहीं करेगा, बहुत सीधी सी बात है। पर आपके चेहरे की चमक, ऊर्जा सब पारे से आती है। शरीर का पारा मर गया, पारा यानी पानी, पानी मर गया तो सब, फिर आप बूढ़े हो जाओगे। तो ये चीज़ें अब मैं आपको दिखा देता हूँ पकते हुए। ये विशेष एक तेल है, हमने बनाया है, उसमें हम ये पका रहे हैं। ये देखिए, ये इसके अंदर पकती है। ये यंत्र है मेरा, बिल्कुल धीमी आंच में दैत्य यंत्र पर रखा हुआ है, और इसके अंदर अब ये पक रही है। देखिए लाल कलर का तेल हो गया। ये इस तरह से जब चीज़ें बनती है ना मित्रों, अभी उसमें से निकाल के दिखाई है मैंने आपको, अभी इसके अंदर गर्म है, वो निकालूंगा तो फूट जाएगी। तो ये नमस्कार मित्रों, मैंने आज आपको ये पूरा चीज़ें दिखा दी, क्योंकि दिन पे दिन अशुद्धियाँ होती चली जा रही है, और अगर आपने इसको ठीक ढंग से शोधन नहीं किया, नुकसान होता है उसमें। अब 6-6.5 किलो में से बड़ी मुश्किल से 1 किलो पारा निकला, उसमें से फिर गुटकाएँ बनेंगी, तो वो बड़ी मुश्किल से जाके आधा 1.25 किलो बचता है, क्योंकि गुटकाएँ बनती है उसमें जब पकती है, तो थोड़ी बहुत अशुद्धि आने की संभावना रहती। 100% पारा, चाहे आप कितनी जड़ी बूटी में घोटो, 100% तो नहीं बनता, कुछ ना कुछ उसमें इस तरह से। आप इतनी अशुद्धियों को कितनी जड़ी बूटियों से साफ करोगे, आप फिर भी रह ही जाएगी, क्योंकि ऐसी मिलावट में इतनी मेहनत कर लो आप, जड़ी बूटियाँ भी नहीं मिलती, 10-10, 5-5 किलो रस ला के आप करोगे भी तो भी थोड़ा बहुत, परंतु प्रभाव तो उसका सकारात्मक ही रहेगा, क्योंकि जड़ी बूटियों में घुटी हुई गुटकाएँ बनती हैं। तो ये चीज़ें हैं मित्रों। और दूसरी बात यह है कि आपका शरीर कैसा है। देखो मित्रों, क्या है वो गुटकाएँ जो काम करती, लोग बता देते हैं कि आप पहन लो तो सिद्धेश्वर गुटका आप ऐसा हो जाएगा वैसा। देखो मित्रों, आपका शरीर में कितनी ताकत है, बैलगाड़ी चलाने की सामर्थ्य है आपकी, और मैं आपको हेलीकॉप्टर दे दूं तो आप नहीं उड़ा पाओगे, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी हेलीकॉप्टर उड़ाने की, हवाई जहाज़ उड़ाने की, क्योंकि आपके शरीर में कितनी नकारात्मक ऊर्जा है, कितनी सकारात्मक ऊर्जा है, उसके ऊपर भी ये गुटकाएँ काम करती। किसी को मैंने एक ये गोरख प्रेस जो छपती गीता प्रेस के संत को दी थी, दूसरे दिन उनका जमीन का विवाद उनके पक्ष में हो गया, क्योंकि वो वैसा उनका शरीर था, वैसा उनका तप था,
और किसी को वही गुटिका ही दी तो 45 दिन लग गए उनको धीरे धीरे काम होने में। तो ये फर्क पड़ता है मित्रों, इसको ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप एकदम धारण करो तुरंत, नहीं, आपकी कितनी सामर्थ है, आपकी सामर्थ फाइटर प्लेन उड़ाने की है तो जल्दी उड़ा लोगे, नहीं है तो फिर सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे प्रभाव होगा, धीरे धीरे प्रभाव होता है मित्रों। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, लोग जैसा बताते हैं कि इसको धारण किया और ऐसा हो गया और वैसा हो गया, ये मैं नहीं जानता मित्रों। मैं तो इतना जानता हूँ या मेरे पूर्वजों का और मेरा अनुभव है कि धीरे 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 इसका प्रभाव सकारात्मक शरीर पर होता है, और नकारात्मक जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे सकारात्मक अंदर प्रविष्ट होगा। पात्र खाली होगा फिर भरेगा, फिर खाली होगा फिर भरेगा, ऐसा होता है मित्रों। हम कभी ये नहीं कहेंगे आपसे कि आप बहनी और करोड़पति हो जाएंगे या आपका जीवन एकदम सुखमय हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो सत्य है वो मैं आपको सत्य बता देता हूँ मित्रों। सत्य बोलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई शर्म नहीं, ना मुझे कोई न्याज है, इसलिए मैं आपको जो भी बात बताऊँगा प्रैक्टिकल करके बताऊँगा और सत्य बताऊँगा। झूठ फरेब करके मैं गुटखा बेचना नहीं है मेरे को, भगवान की कृपा से सब है मेरे पास। मैं तो ईश्वर की कृपा से आप लोगों के लाभ के लिए थोड़ा बहुत जो जानता हूँ कि ये भूल ना जाऊँ तो करता रहता हूँ। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, यूट्यूब के माध्यम से मैंने आज आपको एक छोटी सी बात बताई। आपको अगर अच्छी लगे, समझ आए तो आप ज़रूर देखिए, और अगर कुछ आपको बुरा भला लगे तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार मित्रों।